हेलो फ्रेंड्स, मीरास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल के लड्डू। इसको आंध्रा में सुनुंडा भी बोलते हैं। ये बहुत सॉफ्ट रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख के गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई में एक डिब्बा चावल डाल के फ्राई करेंगे। चावल को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। इतना याद रखें कि गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि मीडियम में या हाई फ्लेम रखने से चावल अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे और नीचे लग जाएंगे। इसीलिए इसको लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो रहे हैं चावल का। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए कुछ इसी तरह फ्राई होना है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद उसी डिब्बा में ही एक डिब्बा उड़द दाल डाल के फ्राई करेंगे। इसको भी चावल की तरह ही लो फ्लेम में रख के ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डिब्बा को ही मेजरमेंट के हिसाब से ली है। अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको भी एक प्लेट में निकाल के रखेंगे और ठंडा होने के बाद इसको बाहर के मिल में मिलिंग करके लाएंगे, क्योंकि ये ग्राइंडर में अच्छे से चिकन नहीं होंगे। उसके बाद एक ग्राइंडर का जार लेके उसी डिब्बा की मेजरमेंट में एक डिब्बा शुगर डालेंगे और 5 इलायची डाल के उसको ग्राइंडिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राइंडिंग हो गया है। और अभी 250 ग्राम घी को गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद गैस ऑफ कर लेंगे। उसके बाद मिलिंग किया हुआ चावल और उड़द दाल को एक बर्तन में डालेंगे और उसमें ग्राइंडिंग किया हुआ शुगर और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद दोनों पाउडर को अच्छे से मिला देंगे और उसी में गरम किया हुआ घी को थोड़े थोड़े डाल के अच्छे से मिला देंगे। जब तक लड्डू बनने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक मिलाते रहेंगे। ये स्वीट्स एक बार घर में बना के देखिए और कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी तरह अच्छे से मिलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से मिल गया है अभी, और लड्डू बनाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं। और अभी इसको लड्डू का शेप दे देंगे। एक एक करके सारे लड्डू तैयार करेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रहने का बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचते रहे। देखिए यहाँ पर हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।